एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पुनः एक बार दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11 नवंबर 2023 के डेट में बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल जो नोटिस है उसे यहां पर जारी किया गया है, जो कि संबंधित है फेस टू शिक्षक भर्ती से। इसमें पात्रता में बदलाव किया गया है और बहुत से लाखों अभ्यर्थियों को अब जो है राहत मिलने वाली है। पूरी अपडेट आप सभी के सामने यहां पर हम रखने वाले हैं, एक एक पॉइंट करके बताएंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, पहले आप उसको समझ लीजिए फिर आते हैं। बिहार में एयर फेस शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है, कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी ने पीआरटी में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहां पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहां पर तैयार करवा लिया गया है। एसएसटी टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहां पर 200 पेज के नोट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहां पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहां पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मैथ वगैरह साइंस वगैरह सब कुछ यहां पर प्लस कंप्लीट एसएसटी आपको यहां पर कंप्लीट हिंदी आपको यहां पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। पीआरटी में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455287793 पर मुझे बीपीएससी लेकर के मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है, फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। जैसा कि आपने नोट्स के बारे में समझ लिया होगा, उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप जरूर परचेज करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11 नवंबर 2023 के डेट में जो नोटिस यहां पर जारी की गई है वो संबंधित है पात्रता को लेकर के 6th to 8th वाली जो भर्ती आपकी चल रही जूनियर शिक्षक भर्ती फेस टू वाली, उसमें आप सभी को पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो पा रहा था और वो अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सभी टीचर से संपर्क में थे, बीपीएससी ऑफिस गए थे और अब यहां पर उन लाखों अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। देखिए पात्रता में जो पहले पात्रता कुछ यहां पर थी वो तो यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर आगे देखें यहां पर सबसे बड़ी बात कही गई है बीसीए अभ्यर्थियों के लिए। बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड हो चाहे फिर आपका बीएड हो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसीए के साथ अगर आपने बीएड किया है तो बिल्कुल आप यहां पर एलिजिबल हैं। बीसीए वाले साइंस एंड मैथ्स को तैयार करेंगे, साइंस मैथ्स के नोट्स बन चुके हैं, आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे, यहां पर एमसीए अभ्यर्थियों की बात की गई है। अगर आपने बीसीए के बाद एमसीए किए है और एमसीए करने के बाद आपने बीएड एमएड कोर्स कर लिया है तो बिल्कुल आप यहां पर पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहां पर जो बीटेक अभ्यर्थी हैं उनको भी अलाउ किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड तथा क्रियाविध विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड हो या फिर डीएलएड हो, चूंकि यहां पर डीएलएड लिखा नहीं गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर चुके होते हैं और बाद में फिर वो डीएलएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, तो वो भी यहां पर एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने बीटेक किया है और विज्ञान और गणित आपके पास थी तो बिल्कुल आप यहां पर साइंस एंड मैथ्स टीचर के एलिजिबल हैं। इसके बाद यहां पर देखिए लिखा गया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बीएड या फिर डीएलएड दोनों हो बिल्कुल यहां पर चल जाएगा, तो ये यहां पर कहा गया है। बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग देखने को फिलहाल नहीं मिली है। तो जो भी साथी बीसीए वाले हैं, एमसीए वाले हैं, बीबीए वाले हैं, बीबीए वाले क्या पढ़ेंगे, बीबीए वाले अपना एसएसटी तैयार करेंगे, वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पर। और बीसीए, एमसीए, इसके अलावा एमबीए, इसके अलावा एमबीए वाले और बीबीए वाले एसएसटी पढ़ेंगे, लेकिन बीबीए एसएसटी पढ़ेंगे, एमबीए एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है, एलएलबी एसएसटी पढ़ेंगे, इसके अलावा बीकॉम वाले भी एसएसटी पढ़ेंगे। अब साइंस कौन पढ़ेगा, बीएससी मैथ्स, बीएससी जेडबीसी, इसके अलावा आपने बीएससी एजी किया है, बीएससी होम साइंस किया है, आपका बीसीए है, आपका एमसीए है, आपके पास बीटेक है,
ये सब लोग जो है किसके लिए एलिजिबल हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप यहाँ पर जानकारी सारी क्लियर हो चुकी है, आप आराम से फॉर्म भरिए। 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई फॉर्म भरने के लिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।